हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है रिसर्च मेथड्स। इसमें हम रिसर्च मेथडोलॉजीज भी पढ़ेंगे और स्टैट्स भी पढ़ेंगे, दोनों को देखेंगे क्या है, पहले रिसर्च है उसके बाद स्टैट्स है। आज हमने रिसर्च मेथड्स देखने हैं, कल हम देखेंगे स्टैट्स, कौन सी स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज़ की जाती है और किसका क्या मतलब होता है, और उसे नेक्स्ट डे अगेन इस चैप्टर की ड्रिल होगी। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड इज देयरफॉर बेस्ड ऑन रिसर्च। साइकोलॉजी एक साइंस है और ये सारी जितनी भी साइंस है वो किस पे बेस करती है, बेस्ड ऑन रिसर्च। दो पीपल आर ऑफन गाइडेड इफेक्टिवली बाय देयर कॉमन इंस्टीट्यूशन, समटाइम्स इट्स लीड्स अस एस्ट्रे। पीपल हैव द टेंडेंसी अपॉन हियरिंग अबाउट रिसर्च फाइंडिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स टू थिंक दैट दे न्यू इट ऑल अलॉन्ग। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड हाइंडसाइट बायस। अब होता क्या है, रिसर्च के बारे में हमें हमारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं, कुछ हमारी कॉमन इंट्यूशंस भी होती हैं। कैसे होती हैं इंट्यूशंस, कि किसी ने हमें बताया कि रिसर्च क्या होती है, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, इसको किस तरह से किया जाता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और ये सब सुनने के बाद हमें लगता है कि हमें रिसर्च के बारे में सब पता लग गया है, हमें सब आता है। तो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस, आफ्टर एन इवेंट अकर्स इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू एक्सप्लेन वाई इट हैपेंड। अब क्या होता है, सबसे पहले जब इवेंट अकर होने से पहले हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब इवेंट अकर हो जाता है तो हमारे लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है कि असल में ये क्यों हुआ। सो इसको हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिफोर एग्जाम आई फील आई शुड स्टडी दीज टॉपिक्स, दीज माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम आई थिंक सो। Then after exams I will say I know that this question will come in the exam, I should have studied it. After exam हमारी thoughts कुछ ऐसी हो जाती है, पहले मैं कहती हूँ मुझे ऐसा feel हो रहा है कि मुझे इन topics को पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये exam में आ सकते हैं, अब पढ़ा नहीं, बस feel ही हो रहा है, पढ़ा नहीं है उसको, अब exam में question आ गया, उसके बाद अब आप उसको बहुत अच्छे से explain कर सकते हैं, आपके लिए explain करना बड़ा easy हो गया है उसको कि मुझे पता था कि ये question आएगा exam में, मुझे इसको पढ़ लेना चाहिए था। सो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथड इज फंडामेंटल टू साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स को समझना साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि रिसर्च मेथड का ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं, और अगर फ्री रिस्पांस या ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहीं से पूछा जाए तो ज़्यादातर रिसर्च में से पूछा जाता है, क्योंकि आप इस पर बहुत अच्छा सा और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है, ताकि हम किसी प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिस्ट माइट कंपेयर टू डिफरेंट मैथड्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच मैथड इज़ बेटर। अब यहाँ पे फर्स्ट मैथड में क्या है, हम कोई भी दो तरह के मैथड यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा मैथड ज़्यादा बेस्ट है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसी तरह एक और एग्जाम्पल दी है कि हम एक कोई प्रोग्राम की एफिकेसी चेक करनी है कि दैट प्रोग्राम इज़ एप्लीकेबल टू द पीपल हु वांट टू क्विट स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो हम इस पर प्रोग्राम अप्लाई करेंगे और उसकी एफिकेसी चेक करेंगे कि दैट दिस प्रोग्राम इज़ गुड और नॉट। सो हम उस टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो इस तरह की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। टू मेथड्स हमने अप्लाई किए और फिर उसमें डिफ्रेंशिएट किया कि कौन सा बेटर मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हमने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उसको उसकी एफिकेसी को टेस्ट किया कि क्या ये लोगों की हेल्प करता है कि वो स्मोकिंग को क्विट कर सकें। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च बिकॉज इट हैज़ क्लियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। गॉट इट। देन अदर साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस दैट आर ऑफन इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट बट आर नॉट इंटेंडेड टू हैव इमीडिएट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें, लेकिन वो उसको रियल वर्ल्ड पे इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकता जैसे कि हम अप्लाइड रिसर्च में कर रहे हैं। सो दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। फॉर एग्जांपल, बेसिक रिसर्च वुड इंक्लूड स्टडिंग हाउ पीपल फॉर्म देयर एटीट्यूड्स अबाउट अदर्स एंड हाउ पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स डिफाइन इंटेलिजेंस। ठीक है, ये होती है बेसिक रिसर्च कि हम लोगों के एटीट्यूड
क्या होते हैं, हम उनके उनको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड दूसरों को लेके किस तरह से होते हैं, और डिफरेंट लोगों कल्चर्स के लोग किस तरह इंटेलिजेंस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के एटीट्यूड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स में, दैट इज़ अ बेसिक रिसर्च। अब हमारी रिसर्च में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, अब उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखेंगे। हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स को लेके हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेट्स सी। ऑल्दो सम रिसर्च इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव, मोस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च इज गाइडेड बाय हाइपोथेसिस। ज़्यादातर रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होती हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक नरेटिव वे में लिखते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिकल रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस क्या करता है? टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अब इसके अलावा हम हाइपोथेसिस को और क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम चेक कर सकते हैं, दैट इज टेंटेटिव। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, एग्जैक्टली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, देन अब हमने यहाँ पे बात की रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अब क्या होते हैं? वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन आर थिंग्स दैट कैन वेरी अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेरी करती हैं पार्टिसिपेंट्स में, जो हम रिसर्च में जिन पार्टिसिपेंट्स को यूज़ करते हैं उनमें ये वेरिएबल्स वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन, स्ट्रेस लेवल, हाइट, दीज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल्स आर मेजरेबल कंडीशंस, इवेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। गॉट इट? बिहेवियर वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनको जो एक तो वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ये वेरी कर रहे होते हैं पर्सन टू पर्सन, चाहे वो रिलीजन हो, स्ट्रेस का लेवल हो या हाइट हो, दैट इज वेरिएबल। इसके अलावा क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेजरेबल होते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कंडीशंस हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ट्रेड्स हो सकते हैं या फिर उनके बिहेवियर्स हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वेरी अमंग पार्टिसिपेंट इट्स कॉल्ड वेरिएबल। अब एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथीसिस अगर हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथीसिस है, तो उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। व्हाट राबिया इज सेइंग? राबिया सेइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को तो कोरिलेशन नहीं कहते, काइंडली डिफरेंस बता दें। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट राबिया। हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं जो हाइपोथेसिस जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स के दरमियान। अब टू वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हियर आई एम टेलिंग यू, हाइपोथेसिस एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब आप लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आप उसमें टू वेरिएबल्स का जिक्र नहीं करते, जस्ट एक सिंगल वेरिएबल को लेके तो हाइपोथेसिस नहीं बनता। इज दैट सो? यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब अगर हम इसमें अकॉर्डिंग टू एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, अगर एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस में, राबिया पूछ रही है मैम हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स वेरी नहीं करते, दूसरे दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। वेरिएबल्स वेरी करना और दो से ज्यादा होना, इन दोनों बातों में फर्क है राबिया। वेरिएबल वेरी करने का मतलब है कि एक ही वेरिएबल है और वो मेरे अंदर एक ही वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस का लेवल है, आप में स्ट्रेस लेवल कुछ और है, मुझ में स्ट्रेस लेवल कुछ और है,
बाकी हमारे जो भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में उन सब का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है. इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेरी करना फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और जो हम कहते हैं कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. वेरिएबल्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का वेरी करना दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. ओके, नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ये डिपेंड कर रहा होता है किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर. अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो भी उसके साथ चेंज हो जाएगा. तो हम हमेशा चेंज किसको करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ताकि उसका इफेक्ट चेक कर सकें उस वेरिएबल पर जो इस पर डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक हाइपोथेसिस कंसीडर किया है दैट वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स मेक पीपल मोर अग्रेसिव. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हम दो रिलेशनशिप का जो है रिलेशन बता रहे हैं इस हाइपोथेसिस के अंदर. जैसे मैंने ऊपर बताया वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स मेक पीपल मोर अग्रेसिव. अब इसमें दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक है वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स, फर्स्ट वेरिएबल, एंड दूसरा है अग्रेसिव. ये दो वेरिएबल हमने इस हाइपोथेसिस में बताए. अब ये दोनों हाइपोथेसिस आपस में इनका कोरिलेशन है या नहीं है, स्ट्रांग है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्ट्रांग है या वीक है, ये सारा हम नेक्स्ट जब इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना डिफरेंट स्टैट्स लगा के, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये जो हाइपोथेसिस हमने इनके कोरिलेशन को लेके बनाया क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अब यहाँ पर इस हाइपोथेसिस में हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वॉचिंग टेलीविजन प्रोग्राम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं मेक्स पीपल मोर अग्रेसिव, लोगों को ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है. दैट मीन्स कि टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. अगर हम इन टेलीविजन के प्रोग्राम्स को चेंज कर देंगे तो हमारे बिहेवियर में भी चेंज हमें फील होगा. सो अटेस्टिंग अ हाइपोथेसिस रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हम यहाँ पे इस बिहेवियर के चेंज को चेक करने के लिए हम मैनिपुलेट किसे करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि यहाँ पर है वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स, एंड मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल. हाइपोथेसिस ऑफन ग्रो आउट ऑफ थियोरीज. अब हाइपोथेसिस कहाँ से बनते हैं, हाइपोथेसिस थियोरीज से बनते हैं. कौन सी थियोरीज से बनते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट थियोरीज पढ़ी उन्हीं थेरीज को अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ें तो उसमें बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया होता है उन थेरीज के अंदर कि कौन सी चीज़ किस पे वेरी करती है, इस थेरी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और ये पर्पस क्या है इस थेरी का. तो चैप्टर वन के अलावा भी आगे चल के बहुत सारी थेरीज आएंगी जिससे हम ये हाइपोथेसिस बनाते हैं. अब थेरी क्या होती है, थेरी एम टू एक्सप्लेन सम फिनोमेना एंड अलाउज रिसर्चर टू जनरेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस विद द होप ऑफ कलेक्टिंग डाटा दैट सपोर्ट द थेरी. ठीक है, थेरी क्या होती है, इसका मकसद ये होता है कि रिसर्चर्स इस थेरी को की सपोर्ट में डाटा कलेक्ट करें और हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बनाएं और फिर इस उम्मीद से डाटा कलेक्ट करें कि वो इस थेरी को सपोर्ट करेंगे. लेकिन उलट भी हो जाता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी थेरी को लेके, लेकिन जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो उस थेरी को सपोर्ट ही नहीं करते, तो हम कहते हैं कि थेरी जो है वो ठीक नहीं है. या फिर हो सकता है वो थेरी किसी और कल्चर के लिए हो और हमने उसको हाइपोथेसिस और डाटा कलेक्शन किसी और कल्चर पर कर दिया, तो इस तरह से दोनों मिसमैच हो जाते हैं और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. मोस्टली इनसिग्निफिकेंट भी तब होते हैं जब हम स्केल ऐसा यूज़ कर लेते हैं जो हमारे कल्चर के लिए ही नहीं होता, जिसकी नॉर्म्स और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ किसी और कल्चर के लिए बनी होती हैं, डेवलप हुई होती हैं, और हम उसको किसी और कल्चर पे अप्लाई कर देते हैं, तब भी हमारे रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट आ जाते हैं और थ्योरी को वो रिजल्ट्स सपोर्ट नहीं करते. अब थ्योरी क्या है, थ्योरी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक हो गया. अब थ्योरी में क्या होता है, बहुत इंटर रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस का सेट है हम उसको एक्सप्लेन कर सकें. अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है रिसर्च में जो हम सबको अक्सर नहीं पता होती, रिसर्चर्स को सिर्फ अपने वेरिएबल को नाम ही नहीं देना होता जो वो अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको उस वेरिएबल की ऑपरेशनल डेफिनेशन भी देनी होती है. अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, क्या आप जो वेरिएबल ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं एक्चुअली
आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस वेरिएबल को मेजर करेंगे कैसे, ठीक है? आप इस थ्योरी को मेजर, इस वेरिएबल को मेजर कैसे करेंगे, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस। वेरिएबल को कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जांपल एग्रेसिव लेवल आप चेक कर रहे हैं या स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं, उसके लिए आप जो स्केल यूज़ कर रहे हैं, आप उस स्केल में जितने भी वेरिएबल्स और सब वेरिएबल्स हैं उन सब के आपने यहाँ पे नाम बताने हैं कि मैं इस वेरिएबल को इस स्केल के थ्रू चेक करूँगी और इस स्केल में हम ये चीज़ें इसमें चेक करेंगे। मतलब आपने अपने वेरिएबल को प्रॉपरली डिफाइन करना है कि आप इसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं इस वेरिएबल को। सो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द हाइपोथेसिस अबव व्हाट प्रोग्राम विल बी कंसीडर्ड वायलेंट, ठीक है? अब हमने वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स का तो जिक्र किया, लेकिन कौन से प्रोग्राम्स हम वायलेंट कंसीडर कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करना और हम उसको किस तरह से मेजर करेंगे, दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। व्हाट बिहेवियर, ओके, व्हाट बिहेवियर्स विल बी कंसीडर्ड एग्रेसिव, और जो हमने एग्रेसिव का जिक्र किया तो कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको हम एग्रेसिव कंसीडर कर रहे हैं। सो एग्रेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट वट काइंड ऑफ बिहेवियर वी आर कंसीडरिंग दैट इट्स एग्रेसिव बिहेवियर। सो इसको एक्सप्लेन करना, दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। दीज एंड मैनी अदर क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड बिफोर द रिसर्च कमेंस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्च को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी थ्योरी क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या हैं, उनके स्केल्स कौन से हैं जो हमने इसको यूज़ करने हैं, और हमने बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर चेक क्या करना है। अब हम पर्सनैलिटी लिख देते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। आपको कौन सी पर्सनैलिटी चेक करनी है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आपने उसको चेक करना है, ये सब बताना इज एन ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पे टिप है कि जब हम स्टूडेंट्स को रिसर्च राइट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ऑफन डिस्क्राइब द गोल एज प्रूफ ऑफ द हाइपोथेसिस। तो हमें लगता है कि हमने जो अपने रिसर्च गोल्स लिखे हैं वो हमारे हाइपोथेसिस का प्रूफ है, लेकिन प्रूविंग अ हाइपोथेसिस इज इम्पॉसिबल। किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Rather, research aims to gather data that either supports or disproves the hypothesis. किसी hypothesis को prove करना तो नामुमकिन है, लेकिन हमारी research का मकसद ये होता है कि हम data collect कर सकें ताकि हम जो भी hypothesis हमने बनाया है ये पता लग सके कि वो उस hypothesis को support करता है या नहीं करता। तो basically हमारा मकसद ये होता है, hypothesis को prove करना नहीं होता, कि हमने जो hypothesis बनाया है हमारा data जिस area या कि जिस culture से हमने उसको अडॉप्ट किया है, कलेक्ट किया है डाटा को, वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब हम स्केल्स तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं पता होता कि रिसर्च इज वैलिड और रिलायबल। वैलिड और रिलायबल टर्म्स का ही नहीं पता होता कि ये क्या होती हैं। सो वैलिड और रिलायबल होना स्केल का, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर ये हैं तो आपकी रिसर्च अच्छी होगी, अगर ये नहीं है तो रिसर्च अच्छी नहीं होगी, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आएंगे। रिसर्च इज वैलिड व्हेन इट मेजर्स व्हाट द रिसर्चर सेट आउट टू मेजर। रिसर्च कब वैलिड होती है? जब आप इसमें वही चीज मेजर कर रहे हैं जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। एक स्केल तभी वैलिड होता है जब वो उसमें आइटम्स जो लिखे हुए हैं वो उसी चीज को मेजर करें जो उसका टॉपिक है। ऊपर आपने स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं और नीचे कोई हाई एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन हैं, तो वो स्केल वैलिड तो ना हुआ। अगर आपका स्केल के ऊपर स्ट्रेस के क्वेश्चंस लिखे हैं और उसमें आप स्ट्रेस के डिफरेंट एरियाज को डिफाइन कर रहे हैं और फिर उसके सब फैक्टर्स भी बना दिए हैं कि स्ट्रेस लेवल किस एरिया में है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, या फिर आपकी एकेडमिक लाइफ का स्ट्रेस, तो ये सारी उसमें कैटेगरीज बना दी और वो एग्जैक्टली उसी चीज़ को मेजर भी कर रहे हैं, देन दैट स्केल इज वैलिड। तो अब क्या होता है, रिसर्च इज रिलायबल। रिसर्च रिलायबल कब होती है? व्हेन इट कैन बी रेप्लीकेटेड। जब हम इसको रेप्लीकेट कर सकें, मतलब दोबारा से यूज़ कर सकें और ये कंसिस्टेंट हो, हम जब भी इसको यूज़ करें इसके रिजल्ट सेम आए। सो रिलायबल का मतलब ये है री अप्लाई कर सकें।
सो इट शुड बी कंसिस्टेंट. हम हर बार जब भी स्ट्रेस लेवल चेक करें, ये हमें स्ट्रेस लेवल ही बताए, जैसा ये स्केल बताता है कि इस स्केल में ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इसकी ये रिलायबिलिटी है और ये इसकी वैलिडिटी है, तो फिर हर बार उसके सेम रिजल्ट्स हैं, देन द स्केल इज रिलायबल, रेप्लिकेटेड एंड कंसिस्टेंट. जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम उसकी एक दफ़ा अपनी पॉपुलेशन पे एक स्मॉल सैंपल पे पायलट स्टडी करते हैं, उसको अप्लाई करके ऑलमोस्ट 50 का सैंपल लेके हम उस पर उसको अप्लाई करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि इस स्केल की जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इसके ऑथर ने बताई हुई हैं, क्या हमारे कल्चर में भी वही साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं इस स्केल की. अगर आ रही हैं तो आप उस स्केल को यूज़ करें, अगर नहीं आ रही तो स्केल को चेंज करें, या फिर अपनी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को देखें कि वो उसके साथ मैच हो रही हैं जो इसके ऑथर ने बताई हुई है कि इस स्केल के साथ इस एज ग्रुप के लोग आएंगे, या क्लिनिकल सैंपल के लिए बना हुआ है या फिर जनरल पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है ये स्केल. तो वो सारी चीज़ें देख के फिर हमें वो स्केल सेलेक्ट करना चाहिए. देन द रिजल्ट्स विल बी कंसिस्टेंट एंड द स्केल विल बी रेप्लिकेटेड. इफ द रिसर्चर कंडक्टेड द सेम रिसर्च इन द सेम वे, द रिसर्चर वुड गेट सिमिलर रिजल्ट्स. सो अब आपका क्या है, उसी तरीके से जैसे उसके ऑथर ने बताया हुआ है उसी तरीके से यूज़ करें, सेम पॉपुलेशन और एज ग्रुप पे यूज़ करें, तो फिर हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ओके, सैम्पलिंग क्या होती है, इसके बाद अब हमारे पास आ गया सैम्पलिंग. स्केल्स भी हमने सेलेक्ट कर लिए, थ्योरी सेलेक्ट कर ली, हाइपोथेसिस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, उनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस हो गई, देन इसके थ्योरी भी हो गई, उसके बाद हमने वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी देख ली कि ये क्या होती है. अब ये सब करने के बाद अब हमें सैम्पलिंग की तरफ जाना होता है. नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग. अब जब भी हम हाइपोथेसिस तो बना लिए, लेकिन हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हु और व्हाट टू स्टडी, क्यों स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है. द इंडिविजुअल्स ऑन विच द रिसर्च विल बी कंडक्टेड आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स. वो लोग जिन पे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उनको पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट कहते हैं. एंड द प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग. और वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सैम्पलिंग. In order to get select a sample, a group of participants, sample or the group of participants, एक ही बात है. One must first identify the population. उसके लिए भी सबसे पहले ज़रूरी होती है कि आप identify करें कि आपकी population क्या होगी जहाँ से आपने sample को select करना है. The population includes anyone or anything that could possibly be selected to be in the sample. ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. आप पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो आप नहीं ले सकते ना, उसमें से अब आपने सैंपल थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स लेने हैं किसी किसी डिपार्टमेंट से या सब डिपार्टमेंट से, और वो कितने कितने स्टूडेंट्स लेने हैं आपको एक डिपार्टमेंट से, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग. तो पॉपुलेशन क्या होगी, पूरी यूनिवर्सिटी, और उसमें से आपने जितने मेम्बर्स या पार्टिसिपेंट्स या ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपने सेलेक्ट किया उसको कहते हैं हम सैम्पलिंग. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, सैम्पलिंग एंड सैम्पल. द गोल इज सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज दैट इट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन. अब ये सारा सैम्पल सेलेक्ट करने का मकसद क्या होता है, कि वो एक लार्जर पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव भी हो. इफ आई कंडक्ट माई रिसर्च अबाउट टेलीविजन वायलेंस यूजिंग ओनली माई ओन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. सो अब क्या होगा, हम ज़्यादातर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, अगर हम रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो हम ज़्यादातर अपनी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, अपने क्लास फेलोज कोलीग्स, उनसे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. सो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमने सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, कैन यू से दैट. नो, एग्जैक्टली वी कुड नॉट से दैट दैट दिस सैम्पल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. अब हम ये नहीं बता सकते कि जो वायलेंट प्रोग्राम्स हैं वो दूसरे लोगों पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं. हमने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पे जस्ट चेक किया, हमें बस उन्हीं का पता है और हम जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं इस रिसर्च को, लेकिन हम इसको दूसरे लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं बता सकते कि ये है या नहीं. सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ सैम्पल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन. माई स्टूडेंट्स मे नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. I would be better off
स्पेसिफाइंग अ लार्जर एंड मोर डाइवर्स पॉपुलेशन द होल स्टूडेंट बॉडी ऑफ 1000 फॉर एग्जाम्पल एंड देन रैंडमली सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 100। अब यहाँ पर अगर मुझे अपनी इस सारे रिजल्ट को जो मैं डेटा हाइपोथेसिस चेक करने के लिए जो डेटा कलेक्शन करने जा रही हूँ जो सैम्पलिंग कर रही हूँ उसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं रैंडमली सिलेक्ट करूँ 100 लोगों को। अगर पूरी यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 100 लेनी चाहिए, मुझे अपना सैम्पल कलेक्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? रैंडमली कलेक्ट करना चाहिए, तभी वो डेटा जो है वो हम उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जी रैंडम सिलेक्शन क्या होती है। रैंडम सिलेक्शन ये होती है कि आपके पूरी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है और सबके पास एक इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। हम सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं और हम कहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1000 स्टूडेंट्स की हमने लिस्ट बना ली और आगे हमने उनके डिपार्टमेंट का नाम और उनके प्रोग्राम का नाम लिख दिया, रोल नंबर भी लिख लिया, ले लिया पूरी यूनिवर्सिटी से। हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स का। वो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में से हमने अब हर चौथा बंदा या तीसरा बंदा हमने उसमें से सिलेक्ट करना है। सो दैट मीन्स लिस्ट में इतने सारे लोग हैं, इतने अगर आप सबको हॉल में भी बिठा लें अब कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो अब उस लिस्ट में से हम हर थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन या फिफ्थ पर्सन हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास रैंडमली एक सिलेक्शन आ जाएगी पार्टिसिपेंट्स की। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स भी आएंगे वो डिफरेंट तरह के लोगों से आएंगे और उन रिजल्ट्स को फिर हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द रैंडम सिलेक्शन इंक्रीजेस द लाइकलीहुड दैट सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एंड दैट वन कैन जनरलाइज द फाइंडिंग्स टू द लार्जर पॉपुलेशन। क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म रैंडम डिफरेंटली देन ले पीपल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज माई सैम्पल बाई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी ऑन वेंसडे मॉर्निंग एंड अप्रोचिंग पीपल इन अ वे आई फील इज रैंडम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सिनेरियो में मैं एक लाइब्रेरी के सामने खड़ी हो जाती हूँ हर वेंसडे को मॉर्निंग में और मैं वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं मैं उनको अप्रोच करती हूँ और मुझे लगता है कि ये रैंडम है, हालांकि आई हैव नॉट यूज्ड रैंडम सैम्पलिंग। मैं यहाँ पे कोई रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर हम नहीं जानते कि यहाँ पर कॉलेज में जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उन्होंने कॉलेज की शर्ट्स भी पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है और क्या वो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, हमें एक तो ये भी नहीं पता होता। दूसरा कि वो लोग जो आज वेनसडे को गुजर रहे हैं यहाँ से, क्या वो हर वेनसडे को यहाँ से गुजरते हैं, क्या यही लोग हर वेंसडे को यहाँ से गुजरते हैं, सो ये भी हमें नहीं पता होता। सो दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट रैंडम। ठीक है, और ये जो हम सैंपल इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी नहीं होता उस स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज की पॉपुलेशन का। नॉट एवरीबॉडी विल वॉक पास द लाइब्रेरी ऑन वेंसडे मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया पहले। इसी वजह से उन लोगों के पास एक इक्वल चांस भी नहीं होता सिलेक्ट करने का होने का और वो उस पॉपुलेशन का पार्ट भी नहीं होते अक्सर। सो द रैंडम सिलेक्शन इज बेस्ट डन यूजिंग अ कंप्यूटर, अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स और दैट ट्राइड एंड ट्रू मेथड ऑफ पिकिंग नेम्स आउट ऑफ अ हैट। ट्राइड एंड ट्रू मेथड क्या होता है, ऑडियंस आपके सामने बैठी है, सबके पास टिकट नंबर्स मौजूद हैं, उन टिकट नंबर्स की हम कॉपी हमारे पास भी मौजूद है, हमने उनको फोल्ड कर लिया है और एक बॉक्स में डाल लिया या हैट में डाल लिया और हम उसमें से किसी के पास जाते हैं बच्चे के पास, पिक अप द वन स्लिप, तो वो जो भी स्लिप सेलेक्ट करेगा वो दैट पर्सन इज सेलेक्टेड। सो दैट इज कॉल्ड ट्राइड एंड ट्रू मेथड ऑफ पिकिंग नेम्स। ओके, अब ये तो होगी हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग की, हमारे पास ये सारी इस तरह से हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या होते हैं, इफ आई रैंडमली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 पीपल फ्रॉम अ स्कूल्स पॉपुलेशन ऑफ 1000 clearly the sample will probably not perfectly reflect the composition of the school. अब क्या हुआ, मैंने randomly तो लोगों को select कर लिया, 1000 की population है, मैंने 100 people randomly select कर दिया। अब मैं फिर भी अगर मैं कहूँ कि मेरी जो results हैं वो properly reflect करेंगे इस पूरी school की population की characteristics को, तो भी ये कहना अब गलत होगा। क्यों? For example, if the school has exactly 500 males and 500 females in it,
वट आर द चांसेज दैट माई रैंडम सैम्पल विल हैव द सेम रेशियो 1:1 रेशियो। अब इसकी क्या गारंटी है कि मैंने जो 100 का सैंपल कलेक्ट कर लिया है उसमें मेल्स और फीमेल्स इक्वल रेशियो के साथ मैंने सेलेक्ट किए हैं। सो 50 मेल्स और 50 फीमेल्स होने चाहिए ना, तो 1:1 रेशियो होनी चाहिए। सो अब अगर मैं इसी तरह से एक लिस्ट बना लेती हूँ सारे स्टूडेंट्स की और उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ, तो इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि मैं मेल और फीमेल को इक्वली सेलेक्ट कर रही हूँ। सो अगेन द सैम्पल विच आई विल कलेक्ट दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल पॉपुलेशन। सो अब हम इसकी एक और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि सैम्पलिंग का एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वन एडिशनल एक्शन कैन बी टेकन टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट अ सैम्पल विल रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वॉज चूजन, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस that allows a researcher to ensure that the sample represents the population on some criteria. ठीक है, अब स्टेटिफाइड सैम्पल का यहाँ पे अब हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, पूरी यूनिवर्सिटी के अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 200 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। इसके बाद 300 स्टूडेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, तो और बाकी जो 500 स्टूडेंट्स हैं वो बायो डिपार्टमेंट से हैं। तो अब हम रैंडमली अगर सेलेक्ट करेंगे हमारे पास तो इक्वल रेशियो ही नहीं आएगी। हम साइकोलॉजी से हो सकता है ज़्यादा ले लें, हमारे पास हो सकता है बायो से ज़्यादा ले लें वहाँ पर क्योंकि 500 की स्ट्रेंथ है, लेकिन नहीं, हमने अब यहाँ पर प्रोपोर्शन इक्वल रखनी है। अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से आपको 20 स्टूडेंट्स लेने हैं, जहाँ पे 300 है वहाँ से 30 लेने हैं, जहाँ पे 500 है वहाँ से 50 लेने हैं, रेशियो इक्वल रखनी है। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हम छोटे छोटे स्ट्रेटा बनाते हैं और उसमें से हम यूनिवर्सिटी की परसेंटेज देखते हैं कि इस कितनी परसेंटेज इस डिपार्टमेंट में है, कितनी परसेंटेज इसमें, कितनी इसमें, और हमें जितनी लेनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग उसको फिर डिवाइड करते हैं ताकि वो प्रोपोर्शन इक्वल रहे। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये तो हमने देखी है कि हमें इसमें से 200 में से 20 स्टूडेंट्स लेने हैं, 300 में से 30 लेने हैं, 500 से 50 लेने हैं, लेकिन वो 20, 30 और 50 लेने कैसे हैं? अगेन हमने उसके लिए रैंडम सिलेक्शन करनी है। अब उन 300 स्टूडेंट्स की हमने लिस्ट बनानी है और उसमें से हमने 20 को सिलेक्ट करना है, चाहे वो किसी का नाम पिक करना हो हेड में से, या हमें उनके रोल नंबर्स की पूरी लिस्ट बनानी हो, या फिर हमें कंप्यूटर में उनको एडिट करना हो एक्सेल में, उससे हमें रैंडमली नंबर सेलेक्ट करने हो, नेम सेलेक्ट करने हो। सो अगेन पहले हम स्ट्रेटा बनाएंगे, उसके बाद उसमें से जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वो भी रैंडमली सेलेक्ट होगा। ये नहीं है कि हमें 20 स्टूडेंट्स लेने, एक क्लास में गए वहाँ 20 स्टूडेंट्स बैठे, उन 20 स्टूडेंट्स से हमने डाटा ले लिया, तो ये इस तरह नहीं होगा, इसमें भी आपको सैंपल सेलेक्ट करना होगा। हाँ, अगर आप छोटे छोटे स्ट्रेटा बनाते हैं और एक छोटी सी पॉपुलेशन है, छोटा सा एरिया, वहाँ से हम सारे ही लोगों से सैंपल कलेक्ट करके आ जाते हैं तो उसको हम कोटा सैंपलिंग कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे ग्रुप मौजूद है उस सारे ग्रुप से हमने डाटा ले लिया, कलेक्ट कर लिया, दैट इज़ कोटा सैंपलिंग। तो वो रैंडम सैंपलिंग के अंदर नहीं आती। तो जहाँ पे हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं उसमें सारा प्रोसेस ही रैंडम होता है, चाहे हमें यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट लेने हो वो भी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट बना लेंगे उसमें से रैंडमली डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी हमें लेनी है वो भी हम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाते हैं पहले, फिर यूनिवर्सिटी को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद उसके डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, उनमें से डिपार्टमेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर जो डिपार्टमेंट्स हमने सेलेक्ट किए उसकी अंदर हमें पॉपुलेशन कितनी है उसमें से हम परसेंटेज निकालते हैं कि इस डिपार्टमेंट से हमें इतनी चाहिए प्रोपोर्शन, इससे इतनी और इससे इतनी, वो सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम उतना सैंपल जो हमने डिसाइड कर लिया है वो भी हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सो ऑल प्रोसेस गो थ्रू रैंडमली। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है रैंडमली करना, लेकिन अगर हम रैंडमली कर लेते हैं तो वो डाटा रिप्रेजेंटेटिव होता है होल पॉपुलेशन के लिए। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी। इस
इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट मेथड रिसर्च का, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों का समझना ज़रूरी है, वो सारी हमने पढ़ ली। अब आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन द लैब, अ हाईली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो लेबॉरेटरी में हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, वो उनका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हम दुनिया में कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम किसी वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट जो हम लेबॉरेटरी में करते हैं उसकी तरह कंट्रोल तो नहीं कर सकते और ना ही हमें फिर उस तरह की एडवांटेजेस मिलती हैं। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट का एक फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वाला फील नहीं होता, जो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रियलिस्टिक होते हैं। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हद तक जब हम इसके थर्ड वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये हमें आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट्स वाली फील आती है इसमें। अब ये हमारे पास इसमें हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो भी होते हैं वो बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि एक कैजुअल रिलेशनशिप हमारे सामने आ सके कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा इसमें एक एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये याद रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट होता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ ये कंट्रोल कर सकता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हमारे पास एक टर्म आती है, और इसके साथ साथ एक आपके पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, आप इस वक्त किस टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों की हलचल है या नहीं है, बाहर शोर है या नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन है या नहीं है। ये सारा जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये आती हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल में। अब इन सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में से वो कौन सा वेरिएबल है बेसिकली जो हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, उस वेरिएबल को हम कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, पहले एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं और उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में से एक्चुअली कौन सा वेरिएबल है जो हमारे बिहेवियर पे, हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको हम उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेना और फिर उसको कंट्रोल करना, उस वेरिएबल को हम कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। आई होप इन दोनों का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल और उसमें से होते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, और इन्हीं वेरिएबल्स को हम थर्ड वेरिएबल्स भी कहते हैं। थर्ड वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा होता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसको हम थर्ड वेरिएबल या कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। कन्फाउंडिंग वेरिएबल इज एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस एक्सेप्ट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो कौन सा वेरिएबल है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। हम वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहे हैं और उनको देख के हमें गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है अगर हमारा गुस्सा बढ़ रहा है तो रूम में टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा हो, सो अब क्या होगा कि वो एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल है। वैसे तो शोर भी हो रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, आपके आसपास बैठे वाले भी एक दूसरे के साथ हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको फ़र्क पड़ रहा है जो रूम में टेम्परेचर है। सो अब क्या होगा कि उस टेम्परेचर की वजह से आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़े, एक तो प्रोग्राम ऐसा देख रहे हैं, ऊपर से आपको गर्मी भी लग रही है, तो अब ये दोनों चीज़ें मिल के हमारे एग्रेशन पे इफेक्ट तो करेंगी ना। सो दैट इज़ कन्फाउंडिंग वेरिएबल। बात की कि हमें रैंडम सिलेक्शन करनी है, अब उसके बाद एक होता है रैंडम असाइनमेंट। लोग तो हमने सेलेक्ट कर लिए, अब इनमें से कौन से पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे और कौन से कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, ये भी असाइन करना होता है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। सो बेसिकली असाइनमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेंट्स आर पुट इन टू अ ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। अब ये रैंडम असाइनमेंट क्या होती है? Random assignment means that each participant has an equal chance of being placed into any group. हमने 100 का सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है, और उस 100 के सैंपल में से हमने
रैंडमली उन लोगों में से हमने सेलेक्ट करना है कि ये वाले 50 लोग जो हैं ये कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे और ये वाले 50 लोग हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे। अब यहाँ पे इस रैंडम असाइनमेंट का क्या फ़ायदा होता है? रैंडम असाइनमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अब ये पार्टिसिपेंट्स रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हम पार्टिसिपेंट्स को ही कह दें कि आप अपनी मर्जी से चाहे तो इस ग्रुप में चले जाएं जहाँ पे हम वायलेंट प्रोग्राम्स दिखाएंगे, जहाँ चाहे तो दूसरे ग्रुप में चले जाएं जहाँ पे हम कोई और प्रोग्राम दिखाएंगे लेकिन वायलेंट प्रोग्राम्स नहीं दिखाएंगे, मतलब पार्टिसिपेंट को आप अपॉर्चुनिटी दे दें, तो पार्टिसिपेंट्स अब अपनी मर्जी से जिनको पसंद होंगे प्रोग्राम्स और जिनको पसंद नहीं होंगे वो अपनी मर्जी से डिवाइड हो जाएंगे ग्रुप्स में। सो इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल। सो ये बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल मेथड है, इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम बल्कि रैंडम असाइनमेंट करेंगे। कोई भी पर्सन किसी भी ग्रुप में जा सकता है। सो उसमें हमें ये पता होगा कि जिस बंदे में ऑलरेडी अग्रेसिव ट्रेड्स थी उसको ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, और जिसमें नहीं थी अग्रेसिव ट्रेड्स उसको भी वो प्रोग्राम बार बार देख के उसके बिहेवियर में भी हमें कुछ एग्रेशन फील हुआ। तो इस तरह से अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर हमने एक ही पॉपुलेशन उठा ली है, सारे उनको च्वाइस दे दिए, तो फिर हम उन रिजल्ट्स को रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स नहीं कह सकते। सो रैंडम असाइनमेंट से हमें पार्टिसिपेंट रेलेवेंट वेरिएबल्स जो होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैंडम असाइनमेंट और रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जबकि दोनों में ही रैंडमाइजेशन होती है। लेकिन सैंपलिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, और ये असाइनमेंट से पहले होती है। रैंडम सैंपलिंग रैंडम असाइनमेंट से पहले होती है, और इसमें हम पार्टिसिपेंट्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लेते हैं। और असाइनमेंट क्या होती है? असाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उन पार्टिसिपेंट्स को जो हमने सेलेक्ट किए पॉपुलेशन के, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। और ये तब तक नहीं हो सकती ये रैंडम असाइनमेंट जब तक हम अपना सैंपल आइडेंटिफाई ना कर लें। अब इसमें आता है हमारे पास नोट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स वी आर रेफरिंग टू द ग्रुप एवरेज। अ सिंगल वेरी अग्रेसिव सब्जेक्ट विल नॉट थ्रो ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एंटायर ग्रुप। अगर आपका जितना भी सब्जेक्ट है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होने से किसी एक को गुस्सा आता है, तो हम उसके रिजल्ट्स को पूरे इंटायर ग्रुप पे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। द आइडिया बिहाइंड रैंडम असाइनमेंट इज दैट इन जनरल द ग्रुप्स विल बी इक्विवेलेंट। इसका मतलब यही है रैंडम असाइनमेंट का, ताकि ग्रुप्स इक्वल हों और उनके रिजल्ट्स जो भी हमारे सामने आए वो हम इक्वली अप्लाई कर सकें या उनको रिप्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप्स हैं वो इक्वल हों, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हम सेम सेक्स, सेम IQ स्कोर्स और एज के ग्रुप ले लेते हैं, और उनकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे लोग सेलेक्ट करते हैं जिनकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। सेम सेक्स के लोग, सेम IQ स्कोर्स हो, जिनका IQ लेवल हो, जिनकी सेम एज हो, उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं और दूसरे को हम दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं सेक्स मेल और फीमेल्स में, तो हम मेल्स को एक्सपेरिमेंटल में कर देते हैं और फीमेल्स को कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। देन उसके बाद हम इसको ग्रुप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इनकी असाइनमेंट्स डिफरेंट कर देते हैं, ऑर्डर डिफरेंट कर देते हैं। सो वन कुड यूज़ ग्रुप मैचिंग। ग्रुप मैचिंग हम यूज़ कर सकते हैं कि हम दो ग्रुप्स ऐसे बना दें जिनके सेक्स सेम हो, जिनका IQ लेवल सेम हो, जिनकी एज सेम हो, तो भी हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। इफ वन वॉन्टेड टू ग्रुप मैच फॉर सेक्स, वन वुड फर्स्ट डिवाइड द सैम्पल इन टू मेल्स एंड फीमेल्स एंड देन रैंडमली असाइन हाफ ऑफ ईच ग्रुप टू ईच कंडीशन। ग्रुप मैचिंग वुड नॉट रिजल्ट इन द सेम नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विद इन ईच ग्रुप, रदर हाफ ऑफ द मेल्स एंड हाफ ऑफ द फीमेल्स वुड बी इन ईच ऑफ द ग्रुप्स। सो गॉट इट? अगर हम बाय सेक्स चल रहे हैं, बाय जेंडर जा रहे हैं, हमारे पास मेल और फीमेल्स हमने इक्वली सेलेक्ट किए हैं, 500 मेल्स थे और 500 फीमेल्स थे, उसमें से हमने 50-50 सेलेक्ट कर ली हैं, तो अब हमें यहाँ पे भी जब कंट्रोल और
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे भी हमें अब इनको डिवाइड कर देना है, 25 फीमेल्स एक्सपेरिमेंटल में जाएंगी और 25 कंट्रोल में, इसी तरह 25 मेल्स एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे और 25 कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। अगर हमें मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस चेक करना हो तो भी हम इनके अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, एक फीमेल्स का ग्रुप अलग से और मेल्स का ग्रुप अलग से, जिन दोनों पे ही हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे कि फीमेल्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं, मेल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा जिसमें हम किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या रिजल्ट आते हैं। सो इस तरह से हम ग्रुप मैचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। पहले हमने कौन सी बात की थी, पार्टिसिपेंट्स रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अब है सिचुएशन रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, अब ये वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम डिफरेंट ग्रुप्स को रखते हैं, वो सिचुएशंस भी अब एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम सेम होना चाहिए, उनकी स्पेस सेम होनी चाहिए, उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वहाँ पे अगर नॉइस है माहौल में तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को आपने एक बड़े से लेक्चर हॉल में बिठा दिया और दूसरे को आपने छोटे से स्मॉल क्लासरूम में बिठा दिया, नहीं, ये भी कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है और इन सिचुएशंस को सेम रखना होता है, ठीक है। सो इस तरह की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि प्लेस को या इन्वायरमेंट को लेके है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है। तो सिचुएशन रेलेवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है और दोनों ग्रुप्स को, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल है या कंट्रोल, दोनों को सेम तरह की सिचुएशन में आपने रखना है। टाइम भी सेम होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर भी सेम, फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी सेम, नहीं है तो वो भी सेम, और रूम का साइज भी सेम। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है एक्सपेरिमेंटर बायस। एक्सपेरिमेंटर बायस क्या होगी, ये एक स्पेशल काइंड होती है सिचुएशन रेलेवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल की। सिचुएशन रेलेवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल की एक स्पेशल काइंड है। एक्सपेरिमेंटर बायस इज द अनकॉन्शियस टेंडेंसी फॉर रिसर्चर टू ट्रीट मेंबर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स डिफरेंटली टू इंक्रीज द चांस ऑफ कन्फर्मिंग देयर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर वैसे तो ये अनकॉन्शियसली रिसर्चर कर रहा होता है, लेकिन ये मेंबर्स को जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं और कंट्रोल ग्रुप में होते हैं, उनको कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहा होता है कि उसके जो हाइपोथेसिस है ना, उसके कन्फर्म होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटर बायस। हाँ, अगर रिसर्चर जानबूझ के इस तरह का डाटा कलेक्ट करे तो इसे हम एक्सपेरिमेंटर बायस नहीं कहते, हम इसको कहते हैं फ्रॉड, ठीक है। इफ़ रिसर्चर पर्पसली डिस्टॉर्ट दिस देयर डाटा, इट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। एक्सपेरिमेंटर बायस में बेसिकली जो हमारा रिसर्चर होता है या एक्सपेरिमेंटर होता है, वो कॉन्शियसली ये सब नहीं कर रहा होता, बस अनकॉन्शियसली ट्रीट ऐसे कर रहा होता है कि उसके हाइपोथेसिस के रिजल्ट जो हैं आकर होने के, वो कंफर्म होने के, वो इंक्रीज हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंटर बायस को हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटर बायस को हम डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डबल ब्लाइंड प्रोसीजर। डबल ब्लाइंड प्रोसीजर, डबल ब्लाइंड का मतलब क्या है कि ना तो पार्टिसिपेंट को पता है और ना ही रिसर्चर को पता है कि ये जो भी रिसर्च कंडक्ट की जा रही है इसके रिजल्ट क्या आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो रिसर्च कर रहा है, जिसने डेटा कलेक्ट करना है, उसको तो पता है कि उसकी रिसर्च क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। सो इसका मेथड ये है कि जो रिसर्चर है वो किसी और बंदे को हायर करे कि वो जाए और इन पार्टिसिपेंट से जाके डेटा कलेक्ट करके आए। सो दैट इज़ द डबल ब्लाइंड प्रोसीजर, कि ना तो डेटा कलेक्ट करने वाले को पता है और ना ही डेटा फिल करने वाले को पता है कि बेसिकली इसकी आउटकम्स क्या होंगी। सो दैट इज़ डबल ब्लाइंड प्रोसीजर। उसके बाद ये हमारे पास आता है सिंगल ब्लाइंड प्रोसीजर। अब ये कब होता है, इसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि वो कौन से ग्रुप में रखे जाएंगे, वो इस वक्त कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, ये उनको नहीं पता होता। और ये जब उनको नहीं पता होता तो इससे क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है ना डिमांड करेक्टरिस्टिक्स का, वो मिनिमाइज हो जाता है। अब ये डिमांड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये कुछ सर्टेन काइंड्स के रिस्पॉन्सेस होते हैं जिसको हम पार्टिसिपेंट बायस भी कहते हैं।
डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये क्यूज होते हैं अबाउट द पर्पज़ ऑफ स्टडी। यहाँ पे पार्टिसिपेंट को पता लग जाता है कि इस स्टडी का पर्पज़ क्या है, कि मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, मुझे वायलेंट प्रोग्राम दिखाए जाएंगे और मुझे अग्रेसिव बिहेवियर शो करना है, और वो उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स को शो कर देता है। तो इसको हम कहते हैं डिमांड करेक्टरिस्टिक्स या पार्टिसिपेंट बायस। सो इस तरह के रिस्पॉन्स को कम करने के लिए हम पार्टिसिपेंट्स को बताते ही नहीं हैं कि वो किस ग्रुप में जाने वाले हैं। सो इसको हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड प्रोसेस। अब अगर पार्टिसिपेंट्स को ये सारे क्यूज पता लग जाएं तो वो उसी हमारा जो रिजल्ट हम जो चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करता है। सो द रिस्पॉन्स और सब्जेक्ट बायस इज द टेंडेंसी फॉर सब्जेक्ट्स टू बिहेव इन सर्टेन वेज। इसके अलावा और भी होते हैं पार्टिसिपेंट बायस। पार्टिसिपेंट्स को पता लग जाता है पार्टिसिपेंट्स को ये आइडिया हो जाता है कि अगर वो इस तरह के सर्टेन वे में अगर वो अपना आंसर्स देंगे, फॉर एग्जांपल उनको सिर्फ मिड पॉइंट जो है स्केल के उसके ऊपर टिक करना है, या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस हैं उस पर उनको टिक करना है, तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे जो उनको शो करना चाहिए, अपनी करेक्टरिस्टिक्स जो शो करनी चाहिए वो इस ऑप्शन पर टिक करने से आ जाएंगी। तो वो उन्हीं एक सर्टेन वे में उन ऑप्शंस को टिक कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन में या तो सारे मिड वाले सेलेक्ट किए होते हैं या फिर सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले या सारे राइट हैंड साइड वाले। अब उसने एक दो स्टेटमेंट्स पढ़ी, उसको पता लगा अच्छा सब पे मैं हाई हाई करूँगा तो मेरी ये वाली करेक्टरिस्टिक्स शो हो जाएंगी, ये वाली आंसर जो है मेरे इस करेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो उसे एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्स दे देता है। अब ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी। तो इस तरह से जो रिस्पांस दिया जाता है जो कि सोशली डिज़ायरेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, और उनको क्योंकि क्यूज़ मिल गए हुए हैं तो इसको हम कहते हैं सोशल डिज़ायरेबिलिटी। सो सिंगल ब्लाइंड के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट बाइस को, डिमांड करेक्टरिस्टिक्स को और सोशल डिज़ायरेबिलिटी को। यहाँ पर हमने बात की बार बार एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की और कंट्रोल ग्रुप की, तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते क्या हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है दैट गेट्स द ट्रीटमेंट ऑपरेशनलाइज्ड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पर ग्रुप्स को ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सो दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप गेट्स नन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल ग्रुप्स में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। ये बेसिकली दो ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इनमें एक बेसिक सा कंपेरिजन कर सकें कि वो ग्रुप्स जिनमें हमने IV और DV रखे और हमने IV को मैनिपुलेट किया, IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं और DV डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो हमने इनको मैनिपुलेट किया तो ये वाले रिजल्ट्स आए, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें हमने किसी तरह का कोई IV नहीं रखा, वो नॉर्मल अपनी सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट आया। अब हम इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं, एक जैसी पॉपुलेशन हमने उठाई थी वो वैसी की वैसी ही है, बस वो TV प्रोग्राम्स देख रहे हैं हॉल में बैठे, लेकिन एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसमें हमने एक स्पेसिफाई कर दिया है कि यही प्रोग्राम देखना है और इससे उनके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आता है, तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कंट्रोल ग्रुप पर ट्रिक करके आ जाते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं वो तो कौन सा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप, और ये गलत हो जाता है, हालांकि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। और अगर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप ना हो तो हमारे पास ये जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको कंपेयर करना और उसके रिजल्ट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो इसलिए ये दो ग्रुप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, मेरली सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन होम टू एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डिटरमाइंड टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ग्रुप।
रिगार्डलेस ऑफ वट इज डन टू दोज इंडिविजुअल्स दिस फाइंडिंग इज नोन एज हॉथॉर्न इफेक्ट. हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली सिंपली इसमें लोग जो होते हैं वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेते हैं. किस लिए? क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है. और जब लोगों को ये पता लग जाए कि उनकी परफॉर्मेंस को उनकी उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसके बाद वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, इसको कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई स्टूडेंट्स हैं वो हॉल में जब बैठे पेपर एग्जाम कर रहे होते हैं तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं. जैसे उनको फील होता है कि उनको एग्जामिनर देख रहा है तो वो फ़ौरन से ऐसे सीधे होकर बैठ जाते हैं जैसे वो बहुत ही मासूम हो, उन्होंने कभी कोई बात की ही ना हो. तो वो क्या होते हैं, जब अपने बिहेवियर को फ़ौरन से मॉडिफाई कर लेते हैं. जब उन्हें पता लग जाता है कि एग्जामिनर उनको नोटिस कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो अपने बिहेवियर को फ़ौरन से मॉडिफाई कर लेना, इसको कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट. अब ये जो हमारे पास डबल ब्लाइंड होते हैं ना, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. इससे हम डबल ब्लाइंड से हम एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट वाइज दोनों को ही एलिमिनेट कर सकते हैं. सो अगर हम बात करें कि सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, तो आई विल से दैट डबल ब्लाइंड इज़ मोर सूटेबल देन सिंगल ब्लाइंड. तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्लू ना तो पार्टिसिपेंट को मिलेगा और ना ही आपके रिसर्चर या एग्जामिनर को पता होगा कि बेसिकली रिसर्च है क्या, मुझे क्या करना. उसको बस इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपने ये करना है और वो करेगा. और किसी भी तरह से ना तो कोई क्लू एक्सपेरिमेंटर दे सकता है और ना ही सब्जेक्ट को कोई क्लू मिलेगा. तो डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज़ द बेस्ट प्रोसीजर. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट सबने पढ़ा होगा कि ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है. यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिनको हम वायलेंट प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, हम सपोज करते हैं कि हम उनको कोई ड्रग इंजेस्ट कर रहे हैं. वी आर सपोजिंग उनको ऐसा बता रहे हैं कि हम एक ड्रग इंजेस्ट कर रहे हैं जिससे आपके बिहेवियर में ये चेंजिंग्स आ सकती हैं. और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप में, उनको भी हम इनर्ट करेंगे, लेकिन कुछ आइडेंटिकल सब्सटेंस होगा, सेम सब्सटेंस नहीं होगा. अब इस टेक्निक से क्या होता है कि रिसर्चर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को जो उस ड्रग से हुई और साइकोलॉजिकल इफेक्ट को. अगर हमने रियली कोई ड्रग इंजेस्ट की है हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और हमने जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है हमने उसको कोई ड्रग इंजेस्ट नहीं की, जस्ट वाटर इंजेस्ट कर दी और उनको कहा है कि इसके ये इफेक्ट होंगे. अब वो ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको तो वाकई हमने कोई ड्रग दी है, तो उसके जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे. जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको हमने इनर्ट तो किए है कोई ड्रग, लेकिन वो आइडेंटिकल सब्सटेंस है, वो सेम सब्सटेंस नहीं है, सिंपल वाटर है. तो अब इसकी जो भी सिम्टम्स वो पार्टिसिपेंट्स बताएंगे वो सारी साइकोलॉजिकल होंगी. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लेसिबो मेथड. फॉर एग्जांपल, एक प्लेसिबो मेथड यूज़ किया गया था एक प्रिजन लैब, प्रिजन में, जेल में. उसमें एक वहाँ पे जो भी कैदी था उसे कहा गया था कि हम आपको एक सांप होगा हमारे पास, हम उस वो आपको डंग मारेगा जिससे आपकी मौत हो जाएगी, वो बहुत जहरीला होगा, विद इन सेकेंड्स आपकी डेथ हो जाएगी. अब क्या करते हैं कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं. पट्टी बांधने के बाद उसकी उसके अंदर खौफ तो फैला दिया पहले से, अब उसको दो पिन से लेके वो उसको उसकी बॉडी पे वो पिन करते हैं उसको, और देखने में आता है कि विद इन सेकेंड उस पर्सन की डेथ हो गई. अब ये क्या हुआ, एक्चुअल में तो सांप ने डसा नहीं, तो डेथ कैसे हो गई? क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जो उसकी बॉडी ने जो रिएक्ट में जो हार्मोन्स रिलीज किए, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो केमिस्ट्री बनी, उन्होंने सेम वही पॉइजन अपनी बॉडी में उसकी बॉडी में डेवलप किया जो उस सांप के काटने से डेवलप हो सकता था. सो ये स्ट्रेस लेवल और ये प्लेसिबो इफेक्ट इस हद तक काम करता है. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्चुअल ट्रीटमेंट दे दें, जाके आप उसको एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये होता है कि हम उनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि बेसिकली क्या डिफरेंस है इन दोनों में. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, समटाइम्स यूजिंग पार्टिसिपेंट एज देयर ओन कंट्रोल ग्रुप इज पॉसिबल, अ प्रोसीजर नोन एज काउंटर बैलेंसिंग.
अब ये काउंटर बैलेंसिंग क्या है? अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसका इफेक्ट क्या होता है आईक्यू टेस्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पर दो तरह की मेरे पास सिचुएशंस हैं, एक तो फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेट करना है मैंने पार्टिसिपेंट्स को, और दूसरा मैंने उनका आईक्यू टेस्ट भी चेक करना है। अब मैं क्या करूँगी? आई कुड हैव माई पार्टिसिपेंट्स इंगेज इन अ टास्क अनलाइकली टू काज फ्रस्ट्रेशन, टेस्ट देयर आईक्यू एंड देन गिव देम अ फ्रस्ट्रेटिंग टास्क एंड टेस्ट देयर आईक्यू अगेन। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को पहले कुछ फ्रस्ट्रेशन टास्क में मैं उनको इंगेज करूँगी, उसके बाद में उनका आईक्यू टेस्ट चेक करूँगी, फिर मैं उनको फ्रस्ट्रेटिंग टास्क दे रही हूँ, फिर उनका आईक्यू दोबारा से चेक कर रही हूँ। तो इस तरह के जो पॉसिबिलिटी है इसको हम कहते हैं ऑर्डर इफेक्ट्स। अब पार्टिसिपेंट को पता लग गया है कि पहले मुझे फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, फिर आईक्यू टेस्ट चेक करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेट करेंगे, फिर मेरा आईक्यू टेस्ट चेक करेंगे। तो इस तरह इस सारी चीज़ को हम कहते हैं ऑर्डर इफेक्ट। जब एक पार्टिसिपेंट को इस सारे ऑर्डर का पता लग जाता है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अब उसको पता लग गया है कि उसने क्या करना है और किस तरह से स्कोर करना है, वो उसी तरह से करेगा, क्योंकि एक दफ़ा पहले वो ये अटैम्प्ट कर चुका है तो दूसरी दफ़ा वो डेफिनेटली बेहतर करेगा। अब ये जो ऑर्डर इफेक्ट होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं इसको कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग। अब इसमें काउंटर बैलेंसिंग में क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाफ पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनको हम पहले फ्रस्ट्रेटिंग टास्क देंगे, और हाफ पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनका हम पहले आईक्यू टेस्ट करेंगे, और फिर हम इसी तरह से उनको स्विच कर देंगे। स्विचिंग के जिनको हमने पहले फ्रस्ट्रेटिंग टास्क दिया उनको हम बाद में आईक्यू टेस्ट उनका चेक करेंगे, और जिनका पहले आईक्यू चेक किया उनको बाद में फ्रस्ट्रेटिंग टास्क देंगे कि वो फ्रस्ट्रेटिंग पहले आईक्यू दिया, फिर फ्रस्ट्रेटिंग उनको कुछ सिचुएशन में इंगेज किया, उसके बाद फिर उनका आईक्यू टेस्ट चेक किया कि फ्रस्ट्रेशन के बाद अब उनका आईक्यू टेस्ट कैसा था। सो इसको हम कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग। ये हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्डर पहले आए तो क्या रिजल्ट आता है, कौन सा ऑर्डर कौन सी वेरिएबल को हम पहले रखें तो क्या रिजल्ट आते हैं। स्टूडेंट्स समटाइम्स बिलीव दैट अ कंट्रोल ग्रुप इज द ओनली पॉसिबल मेथड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कि यही एक मेथड है जिसमें हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल ग्रुप पे जाके मार कर आते हैं। ठीक हो गया, तो इसको ज़हन में रखना है कंट्रोल ग्रुप मींस नथिंग इज इन कंट्रोल्ड इन दिस ग्रुप, ऑपोजिट्स होते हैं ये। कोरिलेशनल मेथड, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कोरिलेशनल मेथड। कोरिलेशन में हमारे पास कॉजेस नहीं होती, हम इसमें कॉजेशन चेक नहीं करते, हम इसमें कोरिलेशन चेक करते हैं। कोरिलेशन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट डिस्क्राइबिंग काज। अब यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप तो एक्सप्रेस करते हैं कोरिलेशन में, लेकिन हम काज एंड इफेक्ट नहीं बताते कि किसकी वजह से रिलेशनशिप है या कौन सा हाई होगा तो कौन सा फिर पॉजिटिव लो होगा। ये काज होती है कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ का होना, दैट इज़ काज। तो हम कोरिलेशन में काज एंड इफेक्ट चेक नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास काज एंड इफेक्ट होता है। काज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट को, और इफेक्ट किसको कहते हैं? डिपेंडेंट को। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो भी कोरिलेशन आता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ वन थिंग प्रिडिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अदर, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ वन थिंग प्रिडिक्ट्स द एब्सेंस ऑफ अदर। पॉजिटिव मीन्स एक चीज़ की प्रेजेंस है तो दूसरी भी प्रेजेंट है, और नेगेटिव में एक चीज़ प्रेजेंट है और तो दूसरी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कौन सी प्रेजेंट है और कौन सी नहीं है, किसकी वजह से क्या है और किसकी वजह से क्या नहीं है, ये इसमें पता नहीं लगता, यह काज एंड इफेक्ट में पता लगता। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक और टर्म आती है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी क्या होती है?
एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, जिसको हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं, इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं और काज एंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं, जिसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कह रहे होते हैं, काज एंड इफेक्ट को चेक करना, इसको हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी। ये बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन की एक कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट एट द फैक्ट हैज़ अकर्ड विदाउट इंटरफेयरिंग फ्रॉम रिसर्चर। यहाँ पे रिसर्चर कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी तरह का कोई वर्क वो नहीं करता, लेकिन वो फैक्ट चेक करता है आफ्टर द रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी को हम आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें हम काज एंड इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, फैक्ट पहले से अकर हो चुका होता है और इसमें रिसर्चर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हाउ वेट इन्फ्लुएंसेस सेल्फ एस्टीम लेवल इन एडल्ट्स। मोस्टली अगर आप चेक करें तो हमारी रिसर्चेज इसी तरह की होती हैं, जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी कहते हैं। फैक्ट्स आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, लेकिन अब हम यहाँ पे चेक करें कि क्या अगर हमारा वेट इंक्रीज होता है तो क्या उससे हमारा जो सेल्फ एस्टीम लेवल है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे क्या आ गया, हमने एक को आई वी सेट कर लिया, दूसरे को डी वी सेलेक्ट कर लिया, काज एंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस लगा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी या फिर आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। एन इवन मोर पॉपुलर रिसर्च डिज़ाइन इज द सर्वे मेथड। अब आपको सर्वे मेथड का तो सबको ही पता है कि सर्वे मेथड में क्या होते हैं, हमारे पास क्वेश्चनियर्स होते हैं और इसमें हमारे पास क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है कि वाचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स मेक्स पीपल मोर अग्रेसिव। कैन नॉट बी टेस्टिंग यूजिंग द सर्वे मेथड बिकॉज ओनली एन एक्सपेरिमेंट कैन रिवील अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाउएवर वन कुड यूज द सर्वे मेथड टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वाचिंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड अग्रेसिव बिहेवियर। This in the survey method, neither of the variable is manipulated. Therefore, while there are two variables, there is no independent and dependent variable. Survey method में भी हमारे पास survey हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमने खुद से उसको select किया होता है कि ये IV और DV हैं, लेकिन वो सच एस सर्वे खुद आपको नहीं बता रहा होता है कि हम IV और DV हैं, ना ही हम वहाँ पर किसी चीज़ को manipulate कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम participant relevant confounding variables को भी ज़्यादा इसमें हम control नहीं कर सकते, ठीक है, हमने तो क्वेश्चन ये दे दिया है और आपके पास जो भी पार्टिसिपेंट है उसने उसको सॉल्व कर लेना है, तो हमने जितनी भी पार्टिसिपेंट रेलेवेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल्स पढ़े हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो सिचुएशन रेलेवेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं सर्वे मेथड में, ये भी वहाँ पर होते हैं, कुछ मूड में होते हैं करने के, कुछ मूड में नहीं होते। तो अगर आप वहाँ पे सिचुएशन रेलेवेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उन सब को एक जगह पर इकट्ठा कर लें, उसके बाद उनसे वो सर्वे फिल करवाएं। सो इस तरह से हम जो सिचुएशन रेलेवेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल हैं सर्वे मेथड में उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पार्टिसिपेंट रेलेवेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना अगर काफ़ी मुश्किल होता है। In addition, obtaining a random sample when one sends out a survey is difficult because relatively few people will actually send it back. इसको हम कहते हैं low response rate. अब ये क्या बात थी, अब हम क्या होता है कि अगर हम इस situation relevant confounding variables को control करने का एक तरीका है कि अगर हम किसी को अपना survey mailing mail के through भेजते हैं, हम उनको एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते, हम उनको mail कर देते हैं उस सारे scale को और उन्हें कहते हैं कि जब आप free हों, easy हो, आपके लिए convenient हो, तो आप इसको fill कर दें। अब वो हम डिफरेंट जगहों पर बैठे होते हैं, दिन का मुख्तलिफ टाइम होता है, अब उनके लिए सिचुएशन क्या है कि जब वो कन्वीनियंट हो उनके लिए और इजी हो तो वो इसको फिल कर दें। अब ये क्या होगा कि हमारे पास अब जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनको तो हमने कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगेन हम यहाँ पर वी हैव टू डिटरमाइन दैट व्हाट कॉज़ द डिफरेंस इन वायलेंट बिहेवियर बिकम्स इम्पॉसिबल। ये वायलेंट बिहेवियर के बारे में हमारा सारा क्वेश्चन है, अब उसमें एक्चुअली कोई और कंफाउंडिंग वेरिएबल तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगेन। इसके अलावा अगर हमारे पास वो सैम्पल आ भी जाता है और हम कहते हैं कि इस सैम्पल में से हम रैंडमली डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चनर जो सॉल्व हुए रैंडमली क्वेश्चनर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम जस्ट इनका डाटा एनालिसिस करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी बहुत कम लोग होते हैं जो आपको वो क्वेश्चनर फिल करके वापस भेजते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा रिस्पॉन्स रेट काफ़ी लो होता है, तो
फिर हमारे लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, उस जो हमारे पास डाटा आया उसमें से भी रैंडमली सिलेक्ट करना, ये भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमें वो सारा ही डाटा लेना पड़ता है। सो ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना इस तरह के, उसमें हम सिचुएशनल और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद हमारे पास आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये सबको पता है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का गोल होता है कि हम रियलिस्टिक और रियल पिक्चर में पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और फिर हम उनके रिजल्ट्स निकालें कि एक्चुअल में क्या होता है। सो हम नेचुरल सिचुएशन में जाते हैं, एक रियलिस्टिक पिक्चर होती है और रियल पार्टिसिपेंट्स उस पिक्चर में होते हैं और उनके बिहेवियर को हम चेक कर रहे होते हैं, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और केस स्टडीज़ का भी आप सबको पता है कि केस स्टडीज़ में हम एक सिंगल केस लेते हैं, जैसे कि क्लिनिकल स्टडीज़ में होते हैं, और उस सिंगल केस को हम इन डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सिंगल केस हमें हमारे पास ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट होती है, होता है या होती है, और उसमें हम इन सारी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ सिंगल केस स्टडी मेथड, या इसको हम क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। सो अब हम उसमें, यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल से हम डिटेल्ड सारी उसकी जितनी भी सफरिंग होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उन सबको वो सारा डाटा उसके अकॉर्डिंगली हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगेन जो हमारी इस सिंगल केस स्टडी से जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं, हम उसको लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि रिसर्च में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर्स, रिसर्च के चैप्टर्स के बारे में, कि इनकी तरतीब क्या होती है। जब भी हम रिसर्च के चैप्टर लिखते हैं तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है। चैप्टर का अक्सर नाम पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन का कौन सा चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर वन होता है, चैप्टर टू मैथड, चैप्टर थ्री रिजल्ट एंड चैप्टर फोर डिस्कशन। ये चार चैप्टर्स होते हैं, इन चारों चैप्टर्स को आपने याद रखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू भी इंट्रोडक्शन में आ जाता है। सेकंड चैप्टर इज मेथड, थर्ड इज रिजल्ट्स एंड फोर्थ इज फॉर डिस्कशन, और लास्ट में आते हैं रेफरेंसेस। पहला क्वेश्चन है कि थ्योरी की कोई एग्जांपल साइकोलॉजी में। थ्योरी फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी, कि बच्चे जो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के साथ अटैच भी होते हैं लेकिन उनको थोड़ा प्री इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, तो वो ऐसे बच्चे जो हैं उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारे पास जो अटैचमेंट थ्योरी जो जो कुछ भी एक्सप्लेन करती है, हम उस थ्योरी से रेलेवेंट हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि हमारे पास ये बैकग्राउंड थ्योरी है और इस बैकग्राउंड थ्योरी से रिलेटेड हमने ये वाले हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं। सो ये होती है कि थ्योरी जो हम साइकोलॉजी में यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप फ्राइड की कोई भी थ्योरी ले लें, फ्राइड की थ्योरी ले लें, कि वो कहता है कि जो बच्चे की फर्स्ट स्टेज होती है, अगर उसमें बच्चे की जो क्योंकि वो मदर पीट करता है, अगर वो उसकी वो फर्स्ट स्टेज फुलफिल नहीं होती तो वो इन फ्यूचर वो जाके थम सकिंग करता है या पेंसिल चबाता है या कोई भी चीज़ जो उसके हाथ में आती है वो उसको चबाता है। सो हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ हम दो तरह की स्टडी कर सकते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल, हमने एक केस स्टडी ली, हमने दो तीन या पांच बच्चे ले लिए, उनको हमने एक दफ़ा स्टडी किया, पांच साल बाद फिर उनको देखा, दस साल बाद फिर उनको देखा, तो हम एक थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। और ये थ्योरी क्या होती है, हम इसको इस तरह की स्टडी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जो बहुत अरसे तक चलती है। फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, हम इतनी लंबी स्टडी नहीं करते, हम एक वो ग्रुप ले लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज में लाए करते हैं, और एक वो स्टेज वो ग्रुप ले लेते हैं जो एडोलसेंट या मिडल एडल्टहुड में चले जाते हैं या एडल्ट की कोई भी एज ले लेते हैं, और उनमें हम ये चीज़ें चेक करते हैं। अब जो पहले वाला ग्रुप है फर्स्ट स्टेज वाला, उसी तरह की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने, उसी तरह की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का एक हमने एक और ग्रुप लिया जिसने चाइल्डहुड में सेम वही एक्सपीरियंस किए थे जो वो चाइल्डहुड में कर रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं उनमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर लेते हैं। या फिर हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के सिंपल और एग्जांपल ले लें, तो हम एक सिंपल सेम एज ग्रुप के लोग एक ग्रुप में लेते हैं, दूसरा ग्रुप लेते हैं उसमें एज ग्रुप थोड़ी और अप होती है, हाई होती है, एक तीसरा ग्रुप लेते हैं उसमें थोड़ी और हाई ग्रुप के लोग होते हैं, वही जो हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में इतने सालों में कर रहे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट एज के ग्रुप्स बना के उनको स्टडी कर रहे होते हैं। कैसे लोग जिन्होंने बचपन में जिनकी ये वाली मदर फीडिंग वाली स्टेज फुलफिल नहीं हुई, वो अब आके थम सकिंग कर रहे हैं या फिर पेपर चबा रहे हैं, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स उनमें इस एज में देखने में आई हैं। एक और तीसरा ग्रुप ले लिया कि इस एज में जाके वो सारी जो चीज़ें थी वो डिमिनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं या एलिमिनेट हो गई हैं किसी भी वजह से। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ थ्योरीज। उसके बाद क्या क्वेश्चन है,
वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में। बिल्कुल आगे हमारे पास जो टेस्टिंग का चैप्टर है उसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स भी देखेंगे। अभी हमने जस्ट देखा है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती क्या है रिसर्च के हवाले से, टाइप्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजी में थेरीज बहुत हैं पर लॉज कम हैं, इसकी क्या वजह है? लॉज और थेरीज, थेरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। अब उस थेरीज पे जब लॉज बनते हैं तो वो आप आए ना इसको बनाए उन थेरीज के ऊपर लॉज कि ये जो लॉ है ना ये फिट है और ये अब कहीं नहीं जाने वाला। अब आप अगर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते तो आप वहाँ पे देखते कि लॉज भी अगर बनते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम एक नया लॉ बन जाता है, जैसे हमारे पाकिस्तान के लॉज हैं हर दफ़ा चेंज हो जाता है। सो थेरीज तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो तो कहीं नहीं जा रही। अब उन थेरीज में से आप लॉज बना लेते हैं कि ये एक लॉ है, हमने ह्यूमन राइट्स देनी। अब ह्यूमन राइट्स में आपने कौन कौन से राइट्स ह्यूमंस को दे दिए, अब उसका किस किस तरह से यूज़ हुआ, अब आपने फिर उस लॉ में जाके चेंजिंग्स कर दी। तो इस तरह से कुछ लॉज रह जाते हैं और कुछ नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये लॉज जो है ना ये वेरी करते रहते हैं, ख़त्म हो गए आगे, लेकिन ये भी बेस थेरी पे ही कर रहे होते हैं। फिर प्लेसिबो इफेक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं जबकि हमें पता है कि हमें साइकोलॉजी की पे ऑब्वियस इफेक्ट होगा। जैसे स्टार्ट में कोविड की वैक्सीन भी प्लेसिबो में दी गई थी, हम क्यों यूज़ करते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली हम पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। हम उनको कोई रियल ट्रीटमेंट नहीं देते लेकिन हम उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको या तो बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिनिकल सेटिंग्स में हैं और आपके पास कोई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बोल नहीं पा रही, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई इससे नहीं बोला जा रहा या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इशू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ करते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल उसको पानी का ग्लास देते हैं, पानी का ग्लास है लेकिन हम उसे ये कहते हैं कि हम आपको एक मेडिसिन देंगे अगर, और उसको हम पानी में डाल के देंगे, साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने इसको बहुत स्लो स्लो पीना है। जैसे जैसे ये आप पियोगे आपके मसल्स को ताकत मिलेगी, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी वोकल एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो आप मेरे से बात कर सकोगे ताकि मैं आपकी बात को समझूं सुनूं और मैं उसको हेल्प कर सकूं। अब हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एज ए साइकोलॉजिस्ट हम उसको वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर उसे देते हैं, किसी हम असिस्टेंट को कह देते हैं कि जाएं वो मेडिसिन डाल के लेके आएँ ग्लास में। उसको पता है कि ये मैडम क्या कह रही हैं, वो हाफ ग्लास वाटर का ले आएंगे कि मैडम हमें इसमें मेडिसिन जो आपने कही थी वो डाल दी है, ठीक है। अब वो पेशेंट तो सुन रहा है, अब एक्चुअली इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट पानी है, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अब उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, अब वो बोलना शुरू कर दे। अगर तो उसने बोलना शुरू कर दिया आपकी इंस्ट्रक्शंस के साथ, आप उसे फुल कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उसके साथ जो भी पर्सन आया है आप उसको बाहर भेज रहे हैं कि आप प्लीज़ बाहर जाएँ, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं कि इनके साथ क्या इशू है, तो उसको भी बाहर भेज दिया। अब ये जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं प्लेसिबो वाली, अगर तो उसकी ये सिम्टम कि वो बोल नहीं पा रहा या पा रही, अगर वो साइकोलॉजिकल है तो वो पर्सन बोल पड़ेगा, अगर वो फिजियोलॉजिकल है तो फिर हम उसके बाद में टेस्ट करवाएंगे। अपनी सारी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद हम उसके फिर टेस्ट करवाएंगे कि इसका ये जो इशू है ये फिजियोलॉजिकल लग रहा है साइकोलॉजिकल नहीं है। तो बेसिकली हम फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ करते हैं। सो इट्स क्लियर। आगे क्या है? ओके, हम अपनी रिसर्च में एक थ्योरी कैसे बताते हैं जबकि इंट्रोडक्शन में मल्टीपल थ्योरीज होती हैं रेलेवेंट टू अवर वेरिएबल्स। मल्टीपल थ्योरीज, एक वेरिएबल को अगर मल्टीपल थ्योरीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम उनको मल्टीपल थ्योरीज को ही लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, हम मैंने आपको थीम्स बताए थे कि थीम्स में हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं कि एक वेरिएबल को डिफरेंट थ्योरीज किस तरह से डिस्क्राइब कर रही हैं, तो एक वेरिएबल को लेके मल्टीपल थ्योरीज हो सकती हैं, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। और हर वेरिएबल की अलग अलग थ्योरीज होती हैं और मल्टीपल थ्योरीज हो सकती हैं। अब उसमें से कौन सी बेस्ट है जो आपके स्टडी को डिस्क्राइब करेगी, आप उस बेस्ट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा ये वेरिएबल है और डिफरेंट थेरीज इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं। और अब आपने ये भी बताना है कि आप इन सारी थेरीज में से आप अपनी रिसर्च को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इनमें से किस थेरी के साथ आप एग्री करते हैं। ओके, बिहेवियर तो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग फॉर्म में ही रहता है, तो क्या ये भी रीज़न हो सकती है साइकोलॉजी में थेरी लॉ में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी स्टिल अभी प्रोग्रेस में है?
हमारा बिहेवियर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन ये डिपेंड भी कर रहा होता है बहुत सारे सिचुएशंस के ऊपर। अगर हमारे पेरेंट्स एग्रेसिव हैं तो बच्चे भी एग्रेसिव होंगे। अगर हमारे हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं तो हम भी डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे और हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। सो ये बिहेवियर तो कॉन्टिन्यूस रहता है। चेंज बस इस तरह से होता है कि हाँ कभी कभार रियलाइज हो जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, जाके माफ़ी मांग ली, अगले दिन फिर वही बिहेवियर कर दिया, वही वैसा सेम बिहेवियर था। सो चेंज तो होता है, लेकिन हम जो हमारी पर्सनैलिटी जिस तरह से डिवेलप हो चुकी हुई होती है ना, हमारी वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना नहीं छोड़ते। और जो पर्सनैलिटी भी डायरेक्टली बनती है, सबसे पहले आपके टेम्परामेंट्स बनते हैं, उसके बाद हम टेम्परामेंट्स को इतना ज़्यादा रिगार्ड करते हैं या पनिश के थ्रू या रिवॉर्ड के थ्रू हम उन टेम्परामेंट्स को इतना पॉलिश कर देते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं, पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है। ओके, विच बेटर गो विद ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अवर वेरिएबल्स। ऑपरेशनल डेफिनेशन के लिए कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं कि कौन सी थ्योरी बेस्ट होगी, ऑपरेशनल डेफिनेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करेगी या कंक्लूड हम कैसे करेंगे थ्योरीज से? इट्स डिपेंड्स अपॉन योर वेरिएबल्स ना, कि आप कौन से वेरिएबल को किस तरह से स्टडी करना चाहते हो और आपने स्केल कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, और जो स्केल सेलेक्ट किया हुआ है वो कौन सी थ्योरी के साथ मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना हाइपोथेसिस अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएंगे। और ये सारा डिपेंड सिर्फ आपके स्केल और आपकी थ्योरीज पे ही नहीं करता, आपकी कुछ बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन में जो आप रिसर्चेस पढ़े होते हैं उन सब पे भी बेस कर रहा होता है कि बेसिकली आपने एग्रेशन को मेजर कैसे करना है और किस तरीके से करना है। सो उन सारी चीज़ों को मिला के फिर हम अपनी जाकर ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाते हैं। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन इज नॉट अ कंस्ट्रक्ट ऑफ थ्योरी। सो दैट्स इट। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, Leave a comment, share the videos, and don't forget to subscribe. Thank you.